साहरुख़ साहरुख़ वो मेरा अंदर है, उसको आप बुला दें प्लीज। वो तो शायद आपसे बात नहीं करना चाह रही, इसीलिए तो इतनी जल्दी हॉस्टल के अंदर चली गई। तो आप उसका फोन नंबर दे दें मुझे, मैं फोन पे बात कर लूंगा उससे। अब उसकी परमिशन के बगैर मैं आपको नंबर कैसे दे सकती हूँ? देखें मैं वहाज हूँ, मेरा का कजन। वो एक्चुअली हुआ ये है कि वो घर से नाराज होकर निकली है और इस हॉस्टल में आके रह रही है। अब आप खुद सोचें, किसी का इतना अच्छा घर हो और वो छोड़ के हॉस्टल में रहे तो ये अच्छी बात नहीं होती ना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उससे पूछ के आपको दिखाऊँ। नहीं, आप अगर उससे पूछेंगी तो वो जाहिर सी बातें मना करेगी, क्योंकि वो हमसे नाराज है, मैंने आपको बताया। तो आपने कभी सुना नहीं मेरे बारे में उसके मुंह से, वहाज उसका कजन? थैंक ठीक है, मैं नंबर दे देती हूँ। यू। थैंक यू। क्या कह रहा था वो? तुम्हारा कजन तुम्हारा नंबर मांग रहा था। तो तुमने दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया। पागल तो नहीं हो? तुमने मेरा नंबर क्यों दिया? एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बात करके देख लो। तो आप एक काम करें कि दाल चावल डबल रोटी अंडा सब्जी और बाकी सब कुछ ना इस लिस्ट में आप जल्दी से जाके ले आए, ठीक है? ये लो, हो गया। हम मार्ट करे लाइफ आसान। ये सर्विस अभी सिर्फ कराची के लिए है। हेलो मिर्हा, प्लीज मेरी एक बार बात सुनो। कितने दिन से ढूंढ रहा हूं तुम्हें मैं, प्लीज एक बार मुझे सुन लो। क्यों पीछा कर रहे हैं आप मेरा? आज प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मेरा सब कुछ तो छीन चुके हैं आप, अब क्या चाहिए आपको? माफी मांगना चाहता हूं तुमसे, गलत किया मैंने। तुम्हारे साथ भी और अपनी मोहब्बत के साथ भी। मोहब्बत? वो मोहब्बत जो हमेशा आपकी शक और बदगुमानी की नजर है। मेरा, मैं मानता हूं मैंने अम्मी की बातों में आके तुमसे ज्यादती की, लेकिन प्लीज मुझे अजाले का एक मौका तो दो यार। आपने दिया था मुझे मौका, अपनी बेगुनाही साबित करने का, अपनी मोहब्बत सुरखुरू करने का। बोलिए। नहीं ना, क्योंकि मुझे देने के लिए आपका दामन और जर्फ हमेशा कम पड़ जाता है। तब तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। प्लीज मेरे साथ घर चलो, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मेरा। नहीं भाज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। समझ कहो मेरा, तुमसे वादा करता हूं मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं बहाज, बेहतर होगा कि अब आप मेरे रास्ते में ना आए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम जानती हो ना हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ का ख्वाब देखा है यार।